हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ हाइट इंक्रीज सक्सेस स्टोरी, जो कि है मेरी ही एक सब्सक्राइबर की, और उनका नाम है पूनम। और पूनम जो कि इंडिया से ही हैं, और उनकी हाइट पहले बहुत ज़्यादा कम थी, और इसीलिए उन्होंने अपनी हाइट को मैनिफेस्ट करने का सोचा। तो साथ ही साथ इसके साथ उनकी जो पूनम की एक छोटी सी और सक्सेस स्टोरी है, जो कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा गिफ्ट के थ्रू, तो बस इन्हीं की वो सक्सेस स्टोरी है। दो सक्सेस स्टोरी है, फर्स्ट तो हाइट का हो गया, और दूसरा उनकी जो सरप्राइजिंग गिफ्ट है उनके बारे में भी लास्ट में बताएंगे। तो चलिए पूनम की हाइट वाली सक्सेस स्टोरी पहले स्टार्ट करते हैं। तो पूनम लिखती है, हाय दी एंड थैंक यू यूनिवर्स, मेरी डिज़ायर्ड हाइट मुझे देने के लिए मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहले मेरी हाइट बहुत ज़्यादा कम थी, तो मैं सोचती थी कि मेरी भी हाइट काश बढ़ जाए और मैं अपनी डिज़ायर्ड हाइट के साथ खुश रहूँ। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं मुझे कभी भी हाइट के लिए कमेंट ना करें, जो कि बुरा कमेंट जो है करते थे लोग, वो बिल्कुल ना करें, बल्कि उसकी जगह मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करें और मेरी हाइट बढ़ जाए। तो मुझे लव अट्रैक्शन के बारे में पता था, क्योंकि मैं जो है यूट्यूब वगैरह यूज़ करती थी, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मैंने देखा हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक ऐसा जो है मेथड को ट्राई किया जाए, इसी विधि को ट्राई किया जाए, जिससे एक ही बार में मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिल जाए। और हाँ, मैंने इसको पूरे बिलीव के साथ भी किया, मैंने कहीं पर भी डाउट नहीं रखा, और ना ही मैंने इसे बार बार करने का सोचा। मैंने सिर्फ एक बार करने का सोचा कि मैं एक ही बार में इस चीज़ को पा लूँ, और हाँ 100% बिलीव से मैं इसको करने लगी। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट तो मैंने यूनिवर्स को बता दिया कि मेरी डिज़ायर्ड हाइट मुझे 8 इंचेस चाहिए, मतलब जो उनकी हाइट थी उनमें उसने प्लस कर दिया है ना। मतलब मान लो उसकी हाइट 4 फीट 10 इंच है, तो उन्होंने 5 फीट 5 इंच मांगा, या फिर 5 फीट 6 इंच, ऐसा कुछ भी उसने मांगा होगा, तो उन्होंने 8 इंचेस अपने हाइट में प्लस करके मांगा है यूनिवर्स से कि मेरी हाइट जो है 8 इंच और इंक्रीज़ हो जाए। तो इन्हीं को उन्होंने यूनिवर्स से मतलब मांगा है, तो ठीक है। फिर वो लिखती हैं कि मेरी हाइट मुझे देने के लिए थैंक यू, ऐसा मैंने अफर्मेशन बनाया खुद से कि मैं अपने वॉइस को, मतलब जो अपनी आवाज़ है उसको रिकॉर्ड करने लगी मोबाइल में, और मैंने उसे रात को सोने से पहले सुनने लगी, हर रात को सोने से पहले, कि थैंक यू यूनिवर्स मेरी हाइट, मेरी डिज़ायर्ड हाइट को मुझे देने के लिए। तो इस जो है लाइन को, अफर्मेशन को मैंने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था, और फिर उसको सोने से पहले मैं सुनती थी। तो उसके बाद मैं उस चीज़ को विजुलाइज़ करती थी, मतलब सुनते सुनते उस चीज़ को भी विजुलाइज़ करती थी कि मेरी जो हाइट है वो बढ़ गई है, तो मुझे बढ़ने के बाद मेरी जो बॉडी है वो कैसी लग रही है, मैं कैसी लग रही हूँ, और मेरे दोस्त हैं जो कि मुझे बुरा कमेंट करते थे, वो अब कैसे जो है रिएक्ट करते हैं, कैसे मुझे कमेंट करते हैं, मुझे देखने के बाद उनका जो है बिहेवियर क्या होता है, मतलब एक एक मोमेंट को मैं देखने लगी। और फिर जो है मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, और जो मेरे बाकी सारे लोग हैं, है ना, जो लोग भी मुझे कमेंट करते थे कि तुम्हारी हाइट शॉर्ट है, तुम अच्छी नहीं दिखती, या फिर और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन लोग करते थे, तो मैं उसी चीज़ों को फिर से रिपीट करने लगी कि अपने माइंड में अच्छे तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि जो लोग मुझे बुरा कमेंट करते थे उन्हीं लोग मुझे आज अच्छे कमेंट करते हैं, और मेरी हाइट को लेकर के बहुत अच्छे गुड कमेंट करते हैं कि तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है पूनम, और तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारी हाइट बढ़ने के बाद तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुमने ये हाइट कैसे बढ़ाया हमें भी बताओ। तो इस तरह से काफ़ी सारे कमेंट को मैंने अट्रैक्ट किया, जो है मैं इस चीज़ को मैंने विजुलाइज़ किया, और मैजिकली मेरा जो ड्रीम है वो कम्प्लीट हो गया, मुझे मिल गया। इसको मैंने लगभग 2 महीने किया, उसके बाद मैंने इसको लेट गो कर दिया, क्योंकि मुझे इतना ही तक ठीक लगा, तो मैंने यहाँ तक किया, और उसके बाद मैंने लेट गो कर दिया कि मेरी हाइट तो मुझे मिल गई है, तो मैं खुश रहूँ, हैप्पी रहूँ। फिर उसके बाद मैं अपने काम में बिज़ी हो गई, फिर उसके बाद मेरी जो हाइट है सच में मैजिकली बढ़ गई, और मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान हूँ ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जो है हाइट को ही नहीं बल्कि और भी सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया, बल्कि बिलीव के साथ। और आज मैं खुद पर भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि मैंने यूनिवर्स पर और खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। तो सच में ये चीज़ काम करती है, और आप बिलीव के साथ करोगे तो 100% काम करेगी, और बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार करो, लेकिन पूरे बिलीव के साथ करोगे तो 100% ये आप
आपको सक्सेस दिलाएगी ही दिलाएगी। तो देखा आपने किस तरह से पूनम ने आपको बताया, और हाँ अपनी सक्सेस स्टोरी में उन्होंने जो है दो चीज़ें बताई है, एक तो विजुलाइजेशन और फर्स्ट अफर्मेशन, जो कि आपको रात को सोने से पहले करना है। मतलब रात को सोने से पहले अगर चाहो तो आप वॉइस को रिकॉर्ड करके बार बार उसको सुन सकते हो, मतलब जो है रिपीट में डाल करके आप उसको सुन सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी हाइट मुझको जो है डिज़ायर्ड हाइट आपकी जो भी होगी, तो मान लो आपकी हाइट 5 फीट 8 इंच चाहिए, तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच जो है देने के लिए, है ना। तो इस तरह से एक लाइन में आप अफर्मेशन बनाओ जितना छोटा हो सके उतना, मतलब अगर आप चाहो तो डिटेल में भी बना सकते हो, बस आपको अच्छा लगना चाहिए उस चीज़ को सुनकर। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती उस चीज़ को बोल रहे हैं और हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसमें क्या है आपका जो माइंड है ना हेडेक होने लगता है, एकदम मस्त गर्म होने लगता है, मतलब कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो ऐसा नहीं है, एकदम प्यार से बोलो, कम लाइन में हो तो डिटेल में अच्छा लगता हो तो डिटेल में बोलो, या फिर कम में लगता है तो कम में, ठीक है, लेकिन जो है आपको अच्छा लगना चाहिए ऐसा लाइन उसमें बोलो, और बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच देने के लिए, या फिर जो भी डिज़ायर हाइट होगी उसको बोलो, और उसके बाद आप ना उसको सुनते सुनते सो जाओ, ठीक है। और ऐसा नहीं है जितना टाइम अच्छा लगे उतना टाइम भी सुन सकते हो, ऐसा कोई टाइम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपको विजुलाइज करना है उस चीज़ को जो लाइफ आप चाहते हो, उसको एक्ट करो, जो विजुलाइज़ करो कि हाँ हमारी हाइट बढ़ गई तो हमें कैसा लग रहा है, कैसा फ़ील कर रहे हैं। तो एक एक चीज़ें आप सोचोगे फील के साथ, तो वो फ्रिक्वेंसी जो है यूनिवर्स में जाएगी और वो समझेगा कि हाँ ये चीज़ें तो सच में आपकी ही है, तो आपको वो फौरन दे देगा। ये सारी चीज़ें ना आपकी बॉडी में ही मौजूद होती है, पता है, बस आपको ना उसको एक बार जगाने की ज़रूरत है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स भी आपके अंदर है, सुपर पावर भी आपके अंदर है, सभी चीज़ें हैं, बस एक बार आप उसको बोलो, उसको जो है आप आदेश दो, तो वो चीज़ें करने में लग जाएगी जो आप चाहते हो, ठीक है। एंड पूनम की सेकंड सक्सेस स्टोरी है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ताकि ये सक्सेस स्टोरी आपको भी फ़ायदा पहुंचाए, आप भी इससे थोड़ा मतलब इस टेक्निक के हेल्प से अपने मनचाही चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर सकोगे आप। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पूनम लिखती हैं कि मेरी जो है सेकेंड सरप्राइज़ गिफ्ट ये है, यूनिवर्स ने जो मुझे दिया है, मैंने 2 दिन पहले ही, मुझे ज़रूरत थी सिर्फ 2000 रुपये की, और मैंने क्या किया कि मैंने बस इतना ही कहा कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे 2000 रुपये देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे 2000 रुपये देने के लिए, मुझे 2000 रुपये मिल गए हैं और मैं जो भी चीज़ें जो मुझे ज़रूरत है, मतलब जिस चीज़ को वो यूज़ करना चाहती थी है ना, उसको बोल रही है, तो मतलब जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरत है मैं उसमें इसको उपयोग कर रही हूँ, मतलब इसको यूज़ कर रही हूँ, और ये 2000 रुपये मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस इस अफर्मेशन को मैंने क्या किया है, 2 दिन तक 11-11 टाइम बोला है, मतलब जितना टाइम भी आपको अच्छा लगे उतना टाइम बोल सकते हो, लेकिन हाँ मैंने 11-11 बार इसको बोला है, और फिर उसके बाद सच में सरप्राइजिंग यूनिवर्स ने मुझे दे दिया, और मैं ऐसे ही रास्ते में टहल रही थी और मुझे करेक्ट 2000 रुपये मिले, 500-500 के नोट थे, हाँ 500-500 के नोट थे, और बिल्कुल 2000 करेक्ट 2000 मुझे मिले। सच में यूनिवर्स ने तो जादू ही कर दिया, मैं तो बस उसको थैंक यू कहते कहते थक ही नहीं पा रही, मतलब थक नहीं रही हूँ, मतलब बोलती जा रही हूँ ऐसा जो है पूनम बता रही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल यार, ये तो खुशी की बात है ही, क्योंकि देखो यहाँ पर उन्होंने जो मैनिफेस्ट किया है, अफर्मेशन दिया है, उन्होंने कोई एक्शन वैक्शन नहीं लिया, बस वो चलते जा रही थी, और उनको देखो वो 2000 का मतलब जो है रुपए उनको मिल गए, तो कितनी अच्छी बात है। तो ये मेरी सक्सेस स्टोरी है कि फर्स्ट मेरी हाइट मिल गई, दूसरा मुझे 2000 रुपये मिल गए जो कि मुझे ज़रूरत थे, और सच में मैंने जो है यूनिवर्स पर हमेशा बिलीव किया है, और आज भी करती हूँ, हमेशा करूँगी, और वो मुझे हमेशा देते हैं और हमेशा देते रहेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो देखा आपने किस तरह से पूनम ने अपनी मनचाही चीज़ों को अट्रैक्ट किया है। फर्स्ट तो उन्होंने हाइट को बहुत ईजिली तरीके से मैनिफेस्ट किया, सेकेंड उन्होंने 2000 रुपये को आसानी से मैनिफेस्ट किया सिर्फ अफर्मेशन बोल करके। तो आप भी कर सकते हो, 100% कर सकते हो, और ये कोई फेक जो है बातें नहीं है, ना ही कोई बनावटी दुनिया है, ना ही कोई
ऐसी घिसी पिटी स्टोरी नहीं है कि हाँ कोई मूवी देखें तो उसी से रिलेटेड और मूवी बन गई, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें सच है वो सच है। आप चाहो तो यूट्यूब में ढेरों वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहाँ पर देख सकते हो, और नहीं तो कम से कम खुद को एक बार जो है आप खुद पे काम करना शुरू करो। मतलब खुद पे अगर आप ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि आपने कभी बचपन में कोई चीज़ मांगी होगी बिना डाउट के यूनिवर्स से, मतलब भगवान से, या मन में कहा होगा कि काश ये चीज़ मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए, तो हाँ वो चीज़ें आपके सामने प्रकट होगी ही होगी। आप कहीं भी अपने मन को एक बार बोल कर देखो, कहीं से सोच कर देखो, कोई चीज़ें पॉइंट छूट रही है उसको देखो उठा करके, वो देखना आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा और 100% आपको इसका जवाब मिलेगा। ओके, तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, कुछ भी बताना हो या सक्सेस स्टोरी भेजना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। ओके, मैं आपके सारे कमेंट का जवाब दूँगी और साथ ही आपके सक्सेस स्टोरी को सबके साथ शेयर भी करूँगी। और मतलब कुछ भी मेरी सक्सेस स्टोरी में आपको कुछ आइडियाज़ देना हो या कुछ भी बताना हो, कुछ चेंज करना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। और सारे लोग, जो लोग भी कमेंट करते हैं ना, उन लोग एक बार फिर से कमेंट करना। इस वीडियो में कुछ भी पूछना हो तो कहीं से छूट गया होगा तो मैं उसको डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूँगी। और खुद से प्यार ज़रूर करना और खुद की रिस्पेक्ट ज़रूर करना, इससे यूनिवर्स आपको जल्दी ही वो चीज़ें देंगे जो आप चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा।